सो सो वेलकम गाइस आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल सेशंस फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स देखिए ये फंडामेंटल सेशन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यूएससीएमए और यूएससीपीए स्टूडेंट के लिए है क्योंकि देखिए जनरली ओवर द पीरियड ग्रेजुएट स्टूडेंट को टीच करने के बाद जब वो सीपीए या यूएससीएमए को प्लान करते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आप एक सीपीए मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ अमेरिका के प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं और सीएमए मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो जब आप इतने बड़े प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल प्रोफेशन है और यहां पर एप्लीकेशन बेसिस ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है तो अगर आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं होंगे तो आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि थर्टी पोर्शन जो है वो बेसिक्स है और उसके बाद एडवांस है तो हमारी जो ये फंडामेंटल सेशन होने वाला है उसका एजेंडा क्या है वो आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं तो सबसे पहले जो पहला मॉड्यूल हमारा होने वाला है उसमें हम जनरल इंट्री वाले सेगमेंट को कवर करेंगे और देखिए जनरल एंट्रीज कोई मैं सिंपल जनरल एंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि केवल परचेज और सेल की नहीं जनरल एंट्रीज होंगी हमारी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स लाइक लीज अकाउंटिंग बॉन्ड अकाउंटिंग डेरीवेटिव फॉरन एक्सचेंज तो पहले सेगमेंट में हम बेसिक लेवल की एंट्रीज से एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज को कवर करेंगे क्योंकि सीपीए में सिमुलेशन में जनरल एंट्रीज का बहुत ज्यादा वेटेज होता है तो अगर आपको जनरल एंट्री लॉजिकली समझ में आएगी और वो टॉपिक वाइज समझ में आएगी कि सर लीज अकाउंटिंग में जनरल एंट्री किस तरीके की होती है बॉन्ड अकाउंटिंग डेफर टैक्स तो मेरा पूरा फोकस आपके जनरल एंट्री सेगमेंट को सुपर करना है सेकेंड चीज बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट अब सर बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट मतलब लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट लाइक अक्रूड एक्सपेंसिस अक्रूड इनकम अर्नर्ड इनकम

टेस्ट को अगर आपने पास कर लिया मतलब आपका बेसिक अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो क्या एडवांस लेवल लेवल बेसिक पर भी हम मूव ऑन करेंगे इसके लिए हम लोग अगला जो सेगमेंट रखा हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जैसे रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियोज का इंटरप्रिटेशन कैसे होगा डेट इक्विटी रेशियो मतलब रेशियो के बेसिस पर सिंगल एंट्री के बेसिस पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना सकते तो ये जो सेगमेंट है ये अकाउंटिंग वाला सेगमेंट कंप्लीट होगा और जैसे ही आपका अकाउंटिंग सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू के भी मॉक तो टेस्ट जाएंगे अगेन फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स के दो टेस्टलेट्स के आपके फुल टेस्ट होंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे जिसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा और अगर आपने बेसिक मॉक टेस्ट को पास कर लिया बेसिक एग्जाम को पास कर ले इसका मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं आप सीपी की एग्जाम को पास कर सकते हैं या यूएस सीएमए की एग्जाम को पास कर सकते हैं क्योंकि यूएस में भी यूएस गैप है उसके बाद स्क्रीन पे मैंने कुछ एडवांस टॉपिक के नाम लिए लाइक टैक्स लीज अकाउंटिंग डेरिवेटिव कंसोलिडेशन फॉरन एक्सचेंज इंपेयरमेंट बॉन्ड ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट को सीपीए और सीएमए में तो इनके भी एडवांस टॉपिक्स के और भी डिटेल लेवल पर कॉन्सेप्ट को हम पहले बेसिक लेवल पर ही बहुत अच्छे से समझ लेंगे और अगर आपका एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया सच कह रहा हूं आप सीपीए हो या सीएमए हो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप इस सेशन को डेफिनेटली अटेंड कीजिए इसके कुछ सैंपल वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे भी हम लोग अपलोड करेंगे बिकॉज मेरा मकसद देखिए हमारा एक बिजनेस मॉडल है देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस मॉडल होता है जैसे हमारा बिजनेस मॉडल है मेंटोरशिप बीकॉम स्टूडेंट के फंडामेंटल को इंप्रूव करते हुए इंटरनेशनल कोर्सेज को फर्स्ट अटेम्प्ट में में पास करने हेल्प करना आप हमारी जितने भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन वगैरह सब देख रहे होंगे उसमें मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा और मेंटोरशिप देखिए कोई जूनियर फैकल्टी आपको पढ़ाए मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास आते हैं आज ही मेरी सुबह एक स्टूडेंट से बात हो रही थी सर का कोर्स एक इंस्टीट्यूट से बैकर ले लिया और जब हम मेन फैकल्टी से बात करने गए तो वो बोले आर यू चाइल्ड तो फैकल्टी कई बार आपको कर देती है इसलिए हमारे पास स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे मतलब ये मान के चलिए कि हर महीने एटलीस्ट थर्टी फोर्टी स्टूडेंट तो दूसरी जगह से दुखी होकर हमारे पास आ जाते हैं बिकॉज उनको ये नहीं पता था कि बेसिक्स इतना इंपॉर्टेंट तो हमारी मेंटोरशिप में मैं आपके साथ में वन टू वन कनेक्टिविटी रखता हूं हमने टॉक टू योर मेंटोर का लॉन्च किया है तो अगर आप एक सिंसियर स्टडी करते हुए टीचर के सपोर्ट के साथ में इस इंटरनेशनल एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो ये लिए हो सकते। तो कमिंग बैचेस में ये सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। और ड्यू टू दिवाली कुछ डिस्काउंट ऑफर भी इस सेशन के लिए चल रहे हैं तो आप सीपीए कर रहे हैं या यूएससीए में कर रहे हैं तो हम आपको दिवाली कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं जिसमें आपको फंडामेंटल सेशन भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किए जाएंगे और आप अगर मुझे अपना एक साल देने को रेडी अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सीपीए या USCA में जो भी प्रोफेशन को आप करने जा रहे हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे इन अ इनटोरशिप इसके लिए आप बहुत सारे वीडियो इंटरव्यूज देख सकते हैं जो भी बच्चे हमसे पास होते हैं वो बार बार बोलते हैं कि सर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सर की वे ऑफ टीचिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है सो so, मिलते हैं आपसे इस नई एडवांस फंडामेंटल बैच में जिसका एक एम है 2024 में आपके पास इंटरनेशनल डेजिग्नेशन को अचीव करना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको कॉन्टेंट टाइम टू टाइम मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच